हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। माई सेल्फ रोहित अग्रवाल, योर फिजिक्स ट्यूटर। आज की वीडियो लेक्चर में हमने आपके चैप्टर 12 दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी के जो भी टॉपिक्स अभी तक कवर करे हैं, जो है आपका ओम्स लॉ, उससे पहले हमने पढ़ा था आपका करंट का फॉर्मूला क्या होता है और आपके पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं वो आज इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। अपना वीडियो शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस आउट ना हो और हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम आपके इन तीन फॉर्मूलों के ऊपर जो है करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और ओम्स लॉ, उसके ऊपर जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है और क्या वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द चार्ज पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 20 मिनट्स इफ द वैल्यू ऑफ करंट इज 200 मिली एम्पियर। अब सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं कि हमें यहाँ वैल्यू क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे एक हमें टाइम की वैल्यू गिवन है और एक आपकी करंट की वैल्यू गिवन है। तो टाइम को हम डिनोट करते हैं टी से, तो टी हमें क्या गिवन है, 20 मिनट, ये हमें पहली वैल्यू हो गई। सेकंड वैल्यू है हमारी करंट का, वैल्यू हमें दी हुई है 200 मिली एम्पियर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द चार्ज। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था दैट आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। करंट की डेफिनेशन ही क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम, कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है। तो I इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन T, और यहाँ से आपका Q का फॉर्मूला क्या हो जाता है, Q इक्वल्स टू आई टी। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द चार्ज, दैट इज हमें Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें करंट और टाइम आपका दोनों गिवन है, पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब मैंने ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताई थी सबकी SI यूनिट। हमारी चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कूलम्ब, टाइम की SI यूनिट होती है सेकंड, और करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर। अब यहाँ पे ये जो टाइम और करंट है ये हमें मिनट और मिली एम्पियर में गिवन है, तो सबसे पहले हम इन्हें स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज टाइम को हम कन्वर्ट करेंगे मिनट से सेकेंड में और करंट को आपके कन्वर्ट करेंगे मिली एम्पियर से एम्पियर में। अब एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने 60 से मल्टीप्लाई करा, तो ये हो जाएगा आपका 1200 सेकंड। जो टाइम है उसकी SI यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। यहाँ पे हमें टाइम की वैल्यू गिवन है मिनट्स में, एक मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं, तो 20 मिनट में कितने हो गए, 1200 सेकंड, दैट इज 1200 सेकंड। अब बात करते हैं करंट की। तो मैंने आप लोगों को जब करंट टॉपिक पढ़ाया था तो वहाँ हमने डिस्कस करा था कि करंट की स्मॉलर यूनिट्स भी हम यूज़ करते हैं, तो ये क्या है, मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10 की पावर -3 एम्पियर, तो इसलिए इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 200 × 10 की पावर -3 एम्पियर। अब जब हमारी ये दोनों वैल्यूज SI यूनिट में आ गई है, दैट इज टाइम की यूनिट हो गई है सेकंड और करंट की एम्पियर, तब हम इन्हें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। I की वैल्यू है आपकी 200 × 10 की पावर -3, टाइम की वैल्यू है 1200। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका × 10 की पावर -3, इसको और सॉल्व करने पे ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 240 कूलम। तो जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी दैट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, उसकी वैल्यू हमारी क्या आई है, 240 कूलम। इस क्वेश्चन में एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि ये जो हमें टाइम और करंट है वो स्टैंडर्ड यूनिट्स में गिवन नहीं है, तो उन्हें सबसे पहले स्टैंडर्ड यूनिट में ज़रूर कन्वर्ट कर लें और तभी अपने क्वेश्चन को फर्दर आगे सॉल्व करें। आई होप कि हमारा पहला एग्जाम्पल आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से अपने आज के नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हमें उसमें क्या क्या गिवन है और क्या हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, अ टॉर्च बल्ब इज़ रेटेड 2.5 वोल्ट। तो यहाँ पे हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है या जो V है उसकी वैल्यू क्या गिवन है, 2.5 वोल्ट।
एंड 750 मिली एम्पियर, मतलब हमें करंट की वैल्यू क्या गिवन है आपकी 750 मिली एम्पियर। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस, हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है आपकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। हम लोगों ने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था आपका, ओम्स लॉ हमारा क्या कहता है, दैट द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, और वो हमारा कॉन्स्टेंट क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, दैट इज आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। तो सिंपल है, इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस वी भी गिवन है और आपका करंट भी गिवन है, हमें केवल क्या फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस। तो हमें अपना ओम्स लॉ हम पढ़ चुके हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, पर अगेन यहाँ पे भी क्या है, आप दोनों जो आपकी वैल्यूज गिवन है वी और आई की, उन्हें एसआई यूनिट में जरूर कन्वर्ट कर ले। हमें पता है वी की एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और एम्पियर की क्या होती है, एम्पियर। करंट की आपकी एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो ये तो आपको वोल्ट में करेक्ट गिवन है, पर ये आपकी मिली एम्पियर में है, तो अगेन इसे भी क्या है, हम एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 mA इक्वल्स टू 10^-3 A, तो इसलिए हमने इसे 10^-3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2.5 अपॉन 750 इंटू 10^-3। ये 10^3 आपकी न्यूमरेटर में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10^3 अपॉन 750। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका 0 से 0 कैंसिल आउट, इसे 25 से काटेंगे तो ये 10 और ये आपका 3। तो जो आपका R है उसकी वैल्यू क्या आई है, 10/3, और रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट मैंने आपको बताई थी क्या होती है, ओम, जिसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे इस केस में हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आई है, 10/3 ओम, और हम इसे और प्रिसाइजली क्या कह सकते हैं, दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 3.33 ओम। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे 10/3 को तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 3.33। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपल, हमें वी और करंट की वैल्यू गिवन थी, बस हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो भी वैल्यूज गिवन हो हम उन्हें एसआई यूनिट में जरूर कन्वर्ट कर लें। फिर हमने ओम्स लॉ की हेल्प से आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की हेल्प से हमने अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, और इस केस में हमारा रेजिस्टेंस क्या है, 10/3 ओम और 3.33 ओम। सो स्टूडेंट्स, अब हम अपने आज की वीडियो के थर्ड न्यूमेरिकल की ओर मूव करते हैं। अगेन इसको रीड आउट करते हैं। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 1 kilometer लॉन्ग कॉपर वायर ऑफ रेडियस 1 mm। इसको नोट डाउन कर लेते हैं, पहले हमें क्या क्या गिवन है, 1 kilometer लॉन्ग वायर, तो इसका मतलब ये आपको क्या गिवन है, लेंथ गिवन है। द लेंथ ऑफ कॉपर वायर दैट इज L इज इक्वल्स टू 1 kilometer। सबसे पहली चीज हमें ये नोट डाउन हो गई है, द वायर की लेंथ हमें कितनी गिवन है, 1 kilometer, तो L इक्वल्स टू आपका क्या आ गया, 1 kilometer। ऑफ रेडियस 1 mm, तो ये आपकी रेडियस हो गई, रेडियस इक्वल्स टू 1 mm। ये दो चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन थी, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, आपकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब आप कहेंगे सर रेजिस्टेंस का तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, V अपॉन आई इक्वल्स टू R, ना यहाँ पे हमें V गिवन है और ना ही I गिवन है, और हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप लोग याद करिए, मैंने एक फॉर्मूला आपको रेजिस्टेंस का और पढ़ाया था, जब हमने पढ़ा था कि आपका रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो वहाँ हम लोगों ने स्टडी करा था कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑन द लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑन द एरिया। तो वहाँ पे हमने एक फॉर्मूला स्टडी करा था, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन में हम अपनी अननोन वैल्यू दैट इज रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब अगेन यहाँ पे रेजिस्टिविटी की वैल्यू हमें गिवन है, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.72 इंटू 10^-8 ओम मीटर। मैंने ये भी आपको पढ़ाया था कि जो भी आपके कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी की रेंज क्या होती है, जल्दी से याद करने की कोशिश करिए, जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी की रेंज होती है 10^-8 से लेके 10^-6 ओम मीटर। तो यहाँ इस वैल्यू से ये भी प्रूफ हो रहा है कि कॉपर हमारा क्या है, कंडक्टर है, जो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है।
अब यहाँ पे हमें रो की वैल्यू गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है और आपकी रेडियस गिवन है। तो एरिया जो है हम फाइंड आउट कर लेंगे यूजिंग द रेडियस, क्योंकि ये क्या है, एक कॉपर वायर है और जो भी हमारे वायर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वहाँ पे क्या है, एक सर्कल है। तो यहाँ पे एरिया की जगह हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पाई आर स्क्वायर। पर उससे पहले अगेन हम अपनी जो गिविन वैल्यूज़ है उन्हें स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है जो लेंथ की यूनिट हम लेते हैं वो क्या होती है, मीटर होती है। तो एक किलोमीटर को, 1 किलोमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 10³ मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, तो आप 1000 भी लिख सकते हैं, मैंने इसको 10³ मीटर लिख दिया है। अब उसके बाद ये है R इक्वल्स टू 1 mm, अब इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो ये क्या होगा आपका, 10⁻³ मीटर। जब हम अपने mm क्या होता है आपका, मिलीमीटर होता है, हम अपनी रेडियस को स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻³ मीटर। अब इन सारी वैल्यूज़ को अपने इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं और जो हमारी अननोन वैल्यू है रेजिस्टेंस उसे फाइंड आउट करते हैं। रो की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 1.72 × 10⁻¹ इंटू लेंथ है हमारी 10³ अपॉन रेडियस क्या है आपकी, 1 मिलीमीटर। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम आपकी पाई की वैल्यू रखते हैं 3.14 × r² आर क्या है हमारा, 10⁻³ का स्क्वायर। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, लेंथ गिवन है 1 किलोमीटर, उसे हमने कन्वर्ट करा मीटर में तो वो हो गया आपका 10³ मीटर। फिर हमें रेडियस गिवन थी 1 मिलीमीटर, उसे हमने मीटर में कन्वर्ट करा तो वो हो गया आपका 10³ - 3 मीटर। अब यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और हमें रेजिस्टिविटी भी गिवन थी। तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू होता है रो एल अपॉन ए, जहाँ पे आपका ए इक्वल्स टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने एक एक वैल्यू अपनी सब्स्टिट्यूट करी है और इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1.72 × 10⁻¹ −8 + 3, ये क्या हो जाएगा, −5, और ये हो जाएगा 3.14 × 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁶। अब इस पावर को हम न्यूमरेटर में मूव करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.72 × ये है 10⁻⁵, और ये जब आपके न्यूमरेटर में जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, +6। −5 + 6 क्या हो जाएगा, 10⁻³ / 3.14। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 17.2 / 3.14। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5.47, और रेजिस्टेंस की आपकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया था, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर, तो हम एंड में आपका सोल्यूशन क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर इज 5.47 ओम। ईजी न्यूमेरिकल है, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बस अगेन मैं फिर कह रहा हूँ, जो भी आपको वैल्यूज़ गिवन है उन्हें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, वो आपका इस टॉपिक का, इन न्यूमेरिकल्स का सबसे मेजर पार्ट है। और एक यहाँ जरूर ध्यान रखें, जो आपका एरिया ही होता है वो इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर होता है, और यहाँ पे आर का स्क्वायर करना बिल्कुल ना भूलें, ये कुछ कॉमन एरर्स हैं जो न्यूमेरिकल्स करते समय बच्चे कर देते हैं, तो इनको अवॉइड करें तो आप फुल मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। अगर आप लोगों को हमारे अभी तक के न्यूमेरिकल्स अच्छे लगे हों और समझ में आए हों तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अब अपना नेक्स्ट एग्जांपल रीड करते हैं। अ गिवन लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड ऑन इट्सेल्फ एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन। एक आपको लेंथ ऑफ वायर गिवन है, उसे हमने क्या करा, डबल करा है, और फिर उस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करा है, मतलब डबल करने के बाद हमने उसे फिर डबल करा है। By what factor does the resistance of the wire changes? किस फैक्टर से आपका रेजिस्टेंस चेंज होगा? हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट में ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि जो आपकी रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे और एरिया पे दोनों पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर एंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर।
पर अब इस न्यूमेरिकल की हेल्प से मैं आपको ये भी प्रूफ करूंगा कि वो किस फैक्टर से डिक्रीज या इंक्रीज होगी, जो आपकी न्यू रेजिस्टेंस है या जो आपकी न्यू वायर फॉर्म हुई है उसकी रेजिस्टेंस किस फैक्टर से इंक्रीज या डिक्रीज होगी एज कंपेयर टू द प्रीवियस रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमें कहा गया है, हमें क्वेश्चन में कहा है कि ये आपकी कोई, ये हमने माना कोई आपकी एल लेंथ की वायर है और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है। हमें पता है जो भी हमारी वायर है वो क्या है, एक सिलेंड्रिकल शेप में होगी, उसकी लेंथ क्या मानी मैंने एल मानी और ए उसका क्या हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या है कि हमने क्या करा, इसे हाफ करा है और उसके बाद अगेन उस प्रोसेस को रिपीट करा है। तो जब भी हम इसको क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। पर यहाँ पे हमने इसको क्या है, दो बार फोल्ड करा है, पहले एक बार करा और फिर उसके बाद उस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करा। तो एक बार तो इसकी लेंथ घट के क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी जब, और फिर एक बार हमने इसे फिर अगेन इसे फोल्ड करेंगे, तो जब हम इसे अगेन फोल्ड करेंगे तो इसकी लेंथ क्या रह जाएगी आपकी, ये क्या लेंथ रह जाएगी इसकी, L बाय फोर। ये थी हमारी ओरिजिनल वायर की लेंथ L, हमने सबसे पहले उसे मिड में से फोल्ड करा तो इसकी लेंथ क्या हो गई L बाय टू। फिर अगेन इस प्रोसेस को रिपीट करा है तो हम इसके मिड में से इसे फिर क्या कहते हैं फोल्ड करेंगे, तो फोल्ड करेंगे तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी L बाय फोर। तो अगर हमारी ओरिजिनल लेंथ L थी तो हमारी न्यू लेंथ क्या हो गई है, हमारी न्यू लेंथ क्या हो गई है L बाय फोर और इट बिकम्स 1/4 ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। जो हमारी ओरिजिनल लेंथ थी उसकी क्या है 1/4 हो गई है। अब बात करते हैं एरिया की, जो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उस पर क्या इफेक्ट आएगा, जो हमारा न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसे भी फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो इसका ए एरिया है और फोल्ड करने के बाद ये भी क्या है, ये वाला हिस्सा भी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये एरिया क्या हो जाएगा ए प्लस ए, ये एरिया हो जाएगा आपका 2a। अब ये भी 2a है और ये भी क्या है आपका 2a है। अब अगेन हम इसे फोल्ड करेंगे तो आपका फिर ये 2a प्लस 2a ये क्या हो जाएगा आपका 4a। तो हमारा एरिया क्या है, एरिया हमारा इंक्रीज हो गया बाय व्हाट फैक्टर, 4 times। तो न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आएगा 4a एज कंपेयर टू द प्रीवियस एरिया। पहले एरिया क्या था हमारा a था, जब हम इस लेंथ को फोल्ड करेंगे यहाँ का भी एरिया a है, यहाँ का भी एरिया क्या है आपका a है, जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो एरिया क्या है आपका डबल हो जाएगा। ये वायर आपकी यहाँ से फोल्ड होके इसके ऊपर जब ओवरलैप करेगी तो a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, तो दोनों साइड का आपका एरिया क्या हो जाएगा 2a 2a। फिर हमने इसे अगेन फोल्ड करा तो 2a प्लस 2a आपका दोनों तरफ का एरिया क्या हो जाएगा 4a। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, बाय व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज। तो सबसे पहले निकालते हैं ओरिजिनल रेजिस्टेंस हमारी क्या थी, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो हम अभी पढ़ के आए हैं रो एल अपॉन ए। तो जो हमारी ओरिजिनल रेजिस्टेंस थी जिसे मैं डिनोट कर सकता हूँ आर से, वो क्या है रो एल अपॉन ए। अगर मेरी लेंथ ऑफ वायर मैं एल ले रहा हूँ और एरिया क्या ले रहा हूँ ए ले रहा हूँ, तो मेरी ओरिजिनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है रो एल अपॉन ए। अब क्योंकि हम इसी मटेरियल को इसी वायर को फोल्ड कर रहे हैं तो जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो सेम रहेगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल पे। अगर हम इस वायर को चेंज कर देते कि सपोज़ ये वायर कॉपर की है और हम इसे एल्यूमिनियम में कन्वर्ट कर रहे हैं या हम इसे कंपेयर कर रहे हैं विद द वायर ऑफ एल्यूमिनियम, तो आपकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू चेंज होगी। पर जब आपका मटेरियल सेम रहेगा तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो जब हम अपनी न्यू रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, न्यू रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो L डैश अपॉन ए डैश, और L डैश और ए डैश क्या है हमारी न्यू लेंथ और न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा रो की वैल्यू यही रहेगी, L डैश की जगह हो जाएगा आपका L अपॉन 4 और ए डैश की जगह हो जाएगा आपका 4a। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1/16 इंटू रो L अपॉन ए, और रो L अपॉन ए इक्वल्स टू क्या है हमारा जो हमारा ओरिजिनल रेजिस्टेंस था, जो न्यू रेजिस्टेंस है मैं उसे R डैश से डिनोट कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका R डैश इक्वल्स टू R अपॉन 16 और
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर डैश अपॉन आर इक्वल्स टू 1/16। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, बाय व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, दैट द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 16 एज कंपेयर टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। अगर उसकी पहले ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या थी आपकी, अगर सपोज ओरिजिनल रेजिस्टेंस 80 ओम थी, तो अब न्यू रेजिस्टेंस आर डैश क्या हो जाएगी, 80/16 दैट इज 5 ओम। तो ये इफेक्ट पड़ता है एरिया और लेंथ का, या मैं कहूँ जब हम अपनी लेंथ को फोल्ड करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस में जो चेंज आता है वो ये है। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, एक आपकी वायर गिवन थी जिसका एरिया हमने सपोज करा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, और उसकी लेंथ हमने एल सपोज करी, उसको हमने फोल्ड करा तो उसकी लेंथ क्या हो गई, हाफ, और एरिया हो गया डबल। फिर हमने उस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करा, मतलब हमने उसे दोबारा फोल्ड करा, तो आपकी लेंथ क्या हो गई 1/4, और एरिया क्या हो गया 4 times एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल एरिया। अब उसकी हेल्प से हमने आपकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस और न्यू रेजिस्टेंस दोनों को फाइंड आउट करा और उन दोनों को कंपेयर करा, तो वहाँ से हमारी वैल्यू आई दैट आर डैश इज इक्वल्स टू आर अपॉन 16, और द न्यू रेजिस्टेंस इज 1/16 times द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो बच्चों अब हम अपने आज के सेकंड लास्ट एग्जांपल पे आ गए हैं, इसको रीड आउट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं हमें क्या क्या वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 5 meters इज 100 ohm। तो यहाँ पे हमें सबसे पहली वैल्यू क्या गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज आर इक्वल्स टू 100 ohm, ये हमें गिवन है। रेजिस्टेंस गिवन है हमें, क्या वैल्यू गिवन है 100 ohm। हमें लेंथ ऑफ द वायर भी गिवन है, दैट इज एल इक्वल्स टू 5 meters। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 3×10^-7 m², तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज ए गिवन है हमें 3×10^-7 m². कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी का मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें आपके रो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे अगेन हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, पर यहाँ पे इस बार हमें क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है, हमें आपकी रो की वैल्यू दैट इज रेजिस्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा, रो इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल। अब यहाँ पे एक बार हम पहले चेक कर लेते हैं कि जो हमें वैल्यूज गिवन है क्या वो एसआई यूनिट में है। तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम, यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो ओम में ही है। लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर, तो ये भी आपकी मीटर में है। एरिया की एसआई यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो ये भी आपकी एसआई यूनिट में है। तो यहाँ हमें कोई भी जो क्वांटिटी गिवन है उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली अपने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, R की जगह हमने सब्स्टिट्यूट करा 100, A की जगह आपके आएगी 3×10^-7, और L आपका क्या है 5, ये हो गया 5। यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह हमने 100 सब्स्टिट्यूट करा, एरिया की जगह 3×10^-7, और L की जगह आपकी वैल्यू रखी 5, तो ये 5 ones और ये 20, 20×3 = 60×10^-7, और इसे फर्दर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा 6×10^-6। तो ये तो हमारी वैल्यू आ गई है। अब रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, लास्ट वीडियो में मैं कवर करके आया था, आपकी रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट है ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, और लेंथ की मीटर, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी एसआई यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर। तो हमारी रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या आई है, 6×10^-6 ओम मीटर। अब इस क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता था कि आपसे ये भी पूछे कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ द मटेरियल, कि आपका जो मटेरियल है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो आपके कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी की रेंज क्या होती है, 10^-6 से 10^-8। अब यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है, 6×10^-6, दैट इज इट इज़ ऑफ द रेंज ऑफ
कंडक्टर्स, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा गिविन मटेरियल है वो क्या है, एक कंडक्टर है। इस क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी नहीं गई है, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। यहाँ पे हमसे रेजिस्टिविटी फाइंड आउट कराई गई पहले, और फिर ये कहा जा सकता है कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ द मटेरियल या डिटरमाइन द नेचर ऑफ द वायर, कि आपकी जो वायर है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी हम डिसाइड करेंगे कि हमारा मटेरियल आपका कंडक्टर है या इंसुलेटर है। क्योंकि यहाँ पे इसकी रेंज कंडक्टर में आई है तो हम कंडक्टर लिखेंगे। अगर इसकी रेंज 10^12 से 10^17 ओम मीटर में आती तो हम इसे इंसुलेटर मेंशन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम अपने आज के वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। अगेन अपनी सेम अप्रोच के साथ सबसे पहले अपना क्वेश्चन रीड आउट करते हैं और फिर हम नोट डाउन करेंगे कि हमें क्या क्या वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है और क्या वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। अ मेटल वायर हैज़ अ डायमीटर ऑफ 0.25 mm, तो हमें यहाँ पर डायमीटर गिवन है। तो सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं, डायमीटर इक्वल्स टू 0.25 mm। अब अगेन यहाँ पे हमें कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जिसमें हम डायमीटर को यूज़ करते हो, हमारी यूज़ में क्या आती है, रेडियस यूज़ आती है। तो यहाँ से हम अपनी रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं, और हमारी जो एमएम है वो स्टैंडर्ड यूनिट भी नहीं है तो इसे स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट भी कर लेते हैं। तो यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगी आपकी, 0.25/2 mm, और इसे स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 0.25/2 × 10^-3 meter। तो ये हमें क्या वैल्यू गिवन थी, डायमीटर गिवन थी 0.25 mm, उसे हमने यहाँ पे आपका हमने रेडियस में कन्वर्ट कर लिया। रेडियस इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, 0.25/2 mm, और उसे भी हमने स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। तो हम यहाँ पे mm को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, 10^-3 से। अब आगे क्या गिवन है, रेजिस्टिविटी हमें गिवन है, रेजिस्टिविटी दैट इज रो की वैल्यू गिवन है 0.8 × 10^-8 ओम मीटर। ये आपकी स्टैंडर्ड यूनिट है तो इसे हम एज इट इज़ आपकी यूज़ करेंगे। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohm। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें क्या गिवन है आपकी, 5 ohm। तो यहाँ पे आपको तीन वैल्यूज गिवन है, पहली वैल्यू हो गई आपकी रेडियस, सेकेंड वैल्यू हो गई आपकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी दैट इज रो, और थर्ड वैल्यू हो गई आपकी रेजिस्टेंस। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज़ द लेंथ। तो लेंथ का मतलब हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, आपकी एल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अब यहाँ पे आपके चार अननोन्स हैं और हमें L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। R, रो और A की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, तो इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं L इक्वल्स टू R इंटू A अपॉन रो। क्योंकि यहाँ पे हमें L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमने A को आपको A और रो को ट्रांसपोज कर दिया, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L इक्वल्स टू R इंटू A अपॉन रो। अब यहाँ पे सिंपली अपनी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, R की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 5। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई मतलब 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 0.25/2 इंटू 10^-3 का स्क्वायर। रेजिस्टिविटी की वैल्यू आपकी है 0.8 × 10^-8। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका 5 × 3.14 × 0.25 का स्क्वायर होता है आपका, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 0.0625। और उसे आपका 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, उसे जब आपका 4 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 0.0156। इंटू 10^-3 का स्क्वायर करेंगे, −6/0.8 × 10^-8। अब यहाँ पे हम पावर सेम कर लेते हैं जिससे हमारी पावर क्या है, कैंसिल आउट हो जाए, तो ये हो जाएगा 5 × 3.14 × 1.56। यहाँ पे हमने डेसिमल को 2 प्लेस शिफ्ट करा तो ये हो जाएगा 10^-8/0.8 × 10^-8।
ये फैक्टर आपका कैंसिल आउट हो गया। अब इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे 5 × 3.14 × 1.56 / 0.8 तो हमारी L की वैल्यू आएगी 30.62 मीटर। और वी कैन से दैट द लेंथ ऑफ वायर जो हमसे पूछा गया है आपका, जो हमें रिक्वायर्ड है, दैट द लेंथ ऑफ वायर इज 30.62 मीटर। तो क्या है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। आपको सिंपली क्या है, डायमीटर गिवन था, ध्यान रखें इस क्वेश्चन में डायमीटर गिवन था तो उसे रेडियस में कन्वर्ट करना जरूर याद रखें। बच्चे क्या करते हैं, एमएम को मीटर में तो चेंज कर लेते हैं पर डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं और उस वैल्यू को यहाँ डायरेक्ट रख देते हैं। उससे क्या है, आपकी फिर अगेन सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएंगी, आपका एक रॉन्ग आंसर आएगा और आपके मार्क्स क्या है, डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखें कि आपको डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना है और एमएम को मीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ से हमारी रेडियस आ गई है, फिर हमें रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट्स में गिवन थे। तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए की हेल्प से हम एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे हमने सिंपली आर, ए और रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है और सिंपल मैथमेटिकली उसे सॉल्व करा है टू ऑप्टेन द अननोन लेंथ ऑफ द वायर विच कम्स आउट टू बी 30.62 मीटर। तो बच्चों हम अपने आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, जल्दी मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, उसमें भी हम लोग आपके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द वीआई ग्राफ। एक आपका छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया है ओम्स लॉ से रिलेटेड जो है वीआई ग्राफ। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि आपका किसी भी कंडीशन के लिए वीआई ग्राफ कैसा ऑप्टेन होता है और फिर उसके ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं आपके डिस्कस करूंगा। अगर आज के किसी भी कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन में आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इन क्वेश्चंस को एक बार आप अगेन रिवाइज कर सकते हैं और इस तरीके के और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी बुक जो है एग्जाम मेट कंप्लीट कोर्स पैकेज को रेफर कर सकते हैं। इसमें एम्पल अमाउंट के आपके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रेजेंट हैं जो आपको हेल्प करेंगे अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। टिल देन डू लाइक दिस वीडियो, शेयर देम विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस लाइक दिस। स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड।